हमारे भाई ने आप लोगों के आशीर्वाद से पंच लिया, टाटा पंच। जी, टाटा पंच गाड़ी लिए हैं। और सबसे ज़्यादा आपका योगदान है कि शायद आपने वीडियो मेरा बनाया और वहाँ तक चौंक पाया जहाँ तक मेरी लोगों की ज़रूरत थी। और हमें मंच से जब भी कोई किसी ने जाना है, अगर मंच से हम वायरल हुए हैं तो हमारे सर का देन है जो इनके से। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ और आप देख रहे हैं अपना उड़। मेरे साथ आप जो दोनों कलाकारों को देख रहे हैं, फिल्म अभिनेता व लोक गायक नागेंद्र उजाला जी हैं और कॉमेडी के चर्चित कलाकार, हास्य कलाकार सुनील यादव जी हैं। आप दोनों कलाकारों को फिर से एक ही फ्रेम में देख रहे हैं, कई सारे कार्यक्रम भी आपने साथ में देखे। एक ही क्षेत्र के रहने वाले, गोपालगंज जिले के विजयपुर प्रखंड के रहने वाले, भोरे विधानसभा लगता है इस क्षेत्र के रहने वाले दोनों कलाकार आज एक साथ मौजूद हैं, खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ सुनील यादव हैं। कैसे हैं सुनील जी, और क्या कुछ हो रहा है आजकल? नमस्कार। नमस्कार, जितने भी इस चैनल के माध्यम से जो भी देखे वाला बा, सबके सादर प्रणाम बा। हमारे बड़े भाई, चाचा, चाची, छोट भाई, सबके सादर प्रणाम बा। यहाँ प्यार आशीर्वाद दे ले रहे लोग। अच्छा, नागेंद्र उजाला जी मेरे साथ हैं, बड़ी चर्चा में रहते हैं, साथ में बड़े मंच आप लोग करते हैं, बड़ी चर्चा रहती है। अभी क्या कुछ हो रहा है नागेंद्र जी? सबसे पहले आपको सादर प्रणाम, और अपना उड देखने वाले जो भी भगवान रूपी दर्शक हैं, मैं यहीं से नागेंद्र उजाला कोटिशा प्रणाम कर रहा हूं। और आज भैया यही हो रहा है कि मैं भाई को बधाई देने पहुंचा हूं। किस बात की बधाई, बताते चले दर्शकों। आज हमारे भाई ने आप लोगों के आशीर्वाद से पंच लिया, टाटा पंच। जी, टाटा पंच गाड़ी लिए हैं, और इनको बधाई देने के लिए हम ही नहीं, तमाम क्षेत्र के लोग आए हुए थे और सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। और जो लोग नहीं आए थे वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई अथक प्रयास से, मेहनत से जो है तरक्की के पथ पर चलते हुए अपने मुकाम के तरफ बढ़ रहे हैं। मैं थामे वाली मैया से प्रार्थना कर रहा हूं कि सुनील जी ऐसे ही आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, लोगों को हंसाएं भी, और साथ ही साथ कुछ सामाजिक वीडियो भी लेकर के आएँ जिससे लोगों को लगे कि नहीं, ये कलाकार जो गोपालगंज का जो है वो हंसाता भी है, और कुछ ना कुछ सामाजिक वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कह करके चला जाता है जो सोचने के लिए विवश कर देता है। ये अभी नागेंद्र उजाला जी बधाई दे रहे हैं, आपके दरवाजे पर एक चमचमाती हुई गाड़ी लगी हुई है। थोड़ा सा जगह दें, कैमरा पर्सन इस गाड़ी को जरूर दिखाएं, टाटा पंच, एक चमचमाती हुई गाड़ी आज सुनील यादव जी के दरवाजे पे है। और आप देख सकते हैं धनतेरस के मौके पे एक चमचमाती हुई चार पहिया वाहन जो एक कलाकार के दरवाजे पे आज खड़ी है। हर कलाकार का सपना होता है कि आज हम अगर साइकिल से चल रहे हैं तो कल मोटरसाइकिल हो और उसके बाद चार पहिया वाहन हो। उस सपने को कहीं ना कहीं सुनील यादव जी आज पूरा कर लिए हैं। सुनील जी, आज ये सपना जो है पूरा हो गया, चार पहिया वाहन दरवाजे पर लगी है, नागेंद्र उजाला जी साथ में हैं, बधाई दे रहे हैं, तमाम लोग भी और भी बधाई दे रहे हैं, इस मौके पर क्या कहिएगा? इस मौके पर हम यही कहेंगे, जितने भी हमारी वीडियो देखने वाले लोग हैं ना, इसमें तो सबसे ज़्यादा पहले तो हमारे मीडिया वाले भाई लोग का योगदान है कि जो अगर शायद ये लोग ना रहते तो शायद हम घर घर तक नहीं पहुँचते। सबसे ज़्यादा आपका योगदान है कि शायद आपने वीडियो मेरा बनाया और वहाँ तक चौंक पाया जहाँ तक मेरी लोगों की ज़रूरत थी। और हमें मंच से जब भी कोई किसी ने जाना है, अगर मंच से हम वायरल हुए हैं तो हमारे सर का देन है जो इनके इनके मंच पे हम कॉमेडी बोले थे भाटपार में, शिल्पी दीदी बुलाई थी तो वहाँ पे शिल्पी राज जी, शिल्पी दीदी हमेशा हम बोलते हैं, तो शिल्पी राज जी ने हमको बुलाया, क्योंकि भोजपुरी में शिल्पी कई नाम है। हाँ, हाँ। तो लोग संकोच में आ जाएंगे इसलिए शिल्पी राज बताना पड़ेगा जी। शिल्पी राज जी ने हमको बुलाई अपने मंच पे, उनके मंच पे सर भी गए थे, तो इनके एंट्री में हमने एक दो कॉमेडी बोला, वो कॉमेडी मेरा शायद 4-5 मिलियन चल गया। वो पहला टाइम था, मेरा पहला प्रोग्राम भी था, पहला स्टेज प्रोग्राम था मेरा। अच्छा सुनील जी, आप तमाम मीडिया के लोगों को इसका श्रेय दे रहे हैं, नागेंद्र उजाला जी को ये बता रहे हैं कि इन्होंने मंच पर जाने के लिए आपको सबसे पहले सहयोग किया और अभी भी सहयोग जो है बरकरार है जी। कल आप एक साधारण से लड़के के रूप में थे, फिर एक कलाकार बने और आज एक स्टार के रूप में लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं कॉमेडी के किंग हैं, कॉमेडी स्टार हैं। आज मोटरसाइकिल से सीधे चार पहिया वाहन में चल रहे हैं, आज दरवाजे पर ईश्वर की कृपा हुई, चार पहिया वाहन पहुंच गई। इन तमाम चीज़ों को एक तरफ करें तो गाड़ी जो लेने की जो क्रेडिट है वो किनको किनको दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि अगर क्रेडिट देना चाहते हैं तो हमारी जनता है, अगर जनता अगर नहीं रहती तो शायद हमारे पास नहीं, हम ही नहीं रहते, शायद हम ही कहीं दुकान पे चाहे कहीं
कंपनी वंपनी में रहते हैं, मेरे पास जनता है, तो आज मेरे पास टाटा पंच है और उसके बाद से मीडिया वालों की देन है और हमारे सर का देन है जो इन्होंने हमें मंच तक लेके गया और वहाँ से 2-4 रुपया हमने कमाया तो हमने पंच लिया जी। अच्छा सुनील जी, जिस तरह से आप मेहनत किए जी, सोचे थे कि यहाँ तक पहुँचेंगे? कभी नहीं सोचे थे बात, हम कभी सपने में भी हम नहीं सोचे थे कि हमारे हम कमा के कभी पंच खरीदेंगे। शायद आप नहीं देखे होंगे, आप शायद दूर के हैं, बट सर हमारा सब चीज़ देखे, हमारी परिस्थिति से लेकर के हमारी मेहनत। सर के पास भी हम कितने बार गए थे याद है ना सर, कि सर थोड़ा हमको काम उम दीजिए, हम लोग काम करेंगे साथ में। से हमने एक आईडी बनाया और औरतों का भाव अपने आईडी से डाला और मेरा कम से कम 7-8 घंटा में ही 5 मिलियन चला गया, वायरल हो गया मेरा वीडियो और आज सबका प्यार आशीर्वाद मिलता है जी। अच्छा सुनील जी, अभी जो जोड़ी है बड़ा लोग पसंद करते हैं, नागेंद्र उजाला कहीं दिखते हैं तो लोग सुनील यादव को पूछते हैं कि आप आए हैं तो सुनील यादव जी जरूर कहीं आसपास होंगे। लोग जो है पसंद करते हैं कि नागेंद्र उजाला जी के साथ सुनील यादव जी को आना चाहिए, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं नागेंद्र उजाला जी के साथ हुई, लोग ढूंढते हैं आने वाले टाइम में क्या कुछ धमाका करेंगे दोनों। हम हमेशा भर सक कोशिश करते हैं कि हम लोग साथ में रह के काम करें और प्लस कुछ अच्छा दे समाज को, कि उस समाज पे उस पर प्रभाव पड़े, प्यार आशीर्वाद बना रहेगा। तो दोनों हम लोग भाई बन के हम लोग साथ में, मतलब राम लक्ष्मण वाली हाँ राम लक्ष्मण बन के हम लोग काम करेंगे जी। अच्छा कल तक सुनील यादव को कार्यक्रम में जाना हो, कहीं पहुँचना हो, किस किस तरह की प्रॉब्लम होती थी? आज भले टाटा पंच है, कल क्या क्या प्रॉब्लम थी? कल हम बाइक से जाते थे, किसी के बाइक मांगते थे और अपने दुकान से 70-80 रुपये ले करके पेट्रोल डाल लेते थे 0.5 लीटर और वहाँ पर पहुँचते थे। छठ की बात हो गई और मेरे साथ लोग गायक जी मौजूद हैं, नागेंद्र उजाला जी मौजूद हैं, तो छठ पे 2 लाइन लोग सुनना चाहेंगे सर आपसे। बिल्कुल एकदम, पुनः एक बार और छठ की बहुत बहुत बधाई। कि काचही मास के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय, काचही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय, होई ना किसन जी सहैया बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। हमने छठ गीत भी सुना और नागेंद्र उजाला जी की आवाज में सुनील यादव जी ने भी साथ दिया। आप पीछे जिस गाड़ी को देख रहे होंगे टाटा पंच जो है सुनील यादव जी ले लिए हैं, बधाई देने तमाम लोग पहुंचे, साथ में क्षेत्र के चर्चित कलाकार हैं, पूरे जिले नहीं बिहार नहीं बल्कि देश भर में सुने जाते हैं नागेंद्र उजाला जी, वो भी बधाई देने पहुंचे क्योंकि बात अपने क्षेत्र के कलाकार की थी। अपने क्षेत्रीय कलाकारों को सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाले, उनके साथ खड़े रहने वाले, उनका उत्साह बढ़ाने वाले नागेंद्र उजाला जी, भला ऐसे मौके पर कैसे चूक सकते थे अपने भाई को बधाई देने से। तो ऐसे में बधाई देने भी पहुंचे तमाम लोग और भी पहुंचे। सुनील जी बहुत बड़ी कहीं ना कहीं उपलब्धि एक कलाकार को मिलती है जब वो खुद से कुछ करता है। जिन दर्शकों ने इतना प्यार दिया, जिन लोगों ने यहां तक पहुंचाया, नागेंद्र उजाला जी को आप श्रेय दे रहे हैं। चलते चलते दर्शकों से क्या कुछ कहें? चलते चलते दर्शकों से हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि ऐसे ही हमें प्यार आशीर्वाद देते रहिए। अगर हमसे कुछ गलती सही होता है तो आप लोग कमेंट करके निफिक्र बताइएगा कि सुनील तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो। नागेंद्र जी, सुनील जी ने तो कह दिया तमाम बातें, क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से? बस इन पर आशीर्वाद प्यार दुलार आप सबका बना रहे। और ये कह रहे थे कि भैया का देना, ऐसा नहीं है, इनका मेहनत है, इनका टैलेंट है और जिसके अंदर टैलेंट है वो आज नहीं तो कल उसका टैलेंट जो है दिखेगा ही। आप सब आशीर्वाद प्यार दुलार बनाए रखें। आपको देखना चाहता हूं कि जब भी आप हकारपुर भोरे विधानसभा में आएँ, अपने घर आएँ, अपने क्षेत्र में आएँ, तो आप के साथ काफिला हो बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनील यादव थे और साथ में नागेंद्र उजाला जी। आपने देखा किस तरह से एक साधारण सा कलाकार जब मेहनत करता है तो उसके सपने एक दिन ज़रूर पूरे होते हैं, तो उस सपने को पूरा किए हैं सुनील यादव और इनकी मेहनत को लोग सलाम कर रहे हैं कि भाई एक साधारण सा लड़का जिसने चाहा, जो कुछ भी चाहा वो पूरा किया, तो ऐसे जज्बे को सलाम है और सुनील यादव जी को बारंबार बधाई देते हैं सारे क्षेत्रवासी भी और हम अपने चैनल के माध्यम से भी। तो वीडियो को शेयर करते जाइएगा। फिलहाल आपको सुनील यादव जी की इस उपलब्धि पर क्या कुछ लगता है कॉमेंट बॉक्स में
एक प्यारा सा कमेंट करते जाइएगा। फिलहाल वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।